नवरात्रि से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों का समझौता हो सकता है। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए दोनों पार्टियों के साथ चुनाव लड़ने पर सहमति है। सीटों के बंटवारे की जिम्मेदारी कांग्रेस की तरफ से पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को दी गई थी। अब एमपी के चुनाव प्रभारी रणदीप सुरजेवाला समाजवादी पार्टी से इस बारे में बात करेंगे। अखिलेश यादव ने चुनावी तालमेल के लिए अपने चाचा और पार्टी का सांसद रामगोपाल यादव को यह जिम्मेदारी दी है। दोनों नेता आपस में बातचीत कर सीटों के समझौते पर फॉर्मूला तय करेंगे। रामगोपाल और सुरजेवाला के बीच बीते सोमवार को ही इस बारे में मुलाकात होनी थी, पर कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला भोपाल चले गए, जबकि रामगोपाल के बड़े भाई अतर सिंह का निधन होने के कारण वे अपने पैतृक गांव सैफई में हैं। बहुत जल्द दोनों नेताओं में चुनावी समझौतों पर बातचीत शुरू होगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव चाहते हैं लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव में गठबंधन हो और इससे इंडिया गठबंधन की एकजुटता का संदेश जाए। सितंबर में दिल्ली में हुई इंडिया ब्लॉक की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में भी यही तय हुआ था। इस मीटिंग में समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान ने कांग्रेस के सामने चुनावी तालमेल का प्रस्ताव रखा, जिस पर कांग्रेस के संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने पार्टी हाईकमान के सामने इसे रखाने का भरोसा दिया। फिर भोपाल में इंडिया गठबंधन की पहली बैठक करने की घोषणा कर दी गई, लेकिन एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने 15 सितंबर को ही इस रैली को कैंसिल करने का ऐलान कर दिया था। इसके पीछे दो बड़ी वजहें बताई जा रही हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समझौता नहीं हुआ, आम आदमी पार्टी भी एमपी में चुनाव लड़ रही है, उधर कमलनाथ और उनकी पूरी पार्टी कांग्रेस की रथ यात्राओं में जुटी हैं। ऐसे में आधे अधूरे मन से इंडिया गठबंधन की रैली करने का कोई फायदा नहीं था। पिछले ही हफ्ते अखिलेश यादव ने एमपी का 2 दिनों का दौरा किया, वहां उन्होंने चुनावी रैली भी की थी और कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने कह दिया था कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर जाता है। वे इशारों ही इशारों में कांग्रेस को बताते रहे कि चुनावी तालमेल जल्द करिए। बीते रविवार को अखिलेश ने लखनऊ के एक कार्यक्रम में कहा था नवरात्रि में वो कुछ वीआईपी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे, जबकि लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में कई बातचीत शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव के ऐसे बयानों के पीछे एमपी विधानसभा चुनाव की रणनीति है। वे जानते हैं यूपी में कांग्रेस का रास्ता समाजवादी पार्टी ऑफिस से होकर ही जाएगा। समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने बताया एमपी चुनाव के लिए पार्टी की तरफ से एक लिस्ट कमलनाथ के पहले दी जा चुकी है। पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी एक सीट पर जीत गई थी, जबकि 5 सीटों पर वो दूसरे नंबर पर थी। इन सभी सीटों पर उसका मुकाबला बीजेपी से ही रहा। कांग्रेस नहीं चाहती है इन सीटों पर बीजेपी के खिलाफ वोटों का बंटवारा हो। फिलहाल समाजवादी पार्टी अब तक 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। राजस्थान में भी समाजवादी पार्टी ने एक टिकट दे दिया है, लेकिन कांग्रेस ने समझौता हो जाने पर पार्टी अपने उम्मीदवार वापस ले सकती है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस एमपी में 2 सीटें देने के लिए तैयार हो चुकी है, पर समाजवादी पार्टी 4 सीटों की मांग पर अड़ी है। रामगोपाल यादव और रणदीप सुरजेवाला को कमलनाथ की सहमति से इस मामले को सुलझाया जाएगा। दोनों पार्टियों को साथ लड़ने का मन बना चुकी है, तो फिर सीटों के बंटवारे का ऐलान भी जल्द हो सकता है।